नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। देश के कोने कोने में जाके समाज को जगाना, समाज हित में काम करना, और अगर विधानसभा चल रही हो तो विधायक की भूमिका में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी बातों को कहना ओम प्रकाश राजभर की आदत बन चुकी है। यही तो कारण है कि ओम प्रकाश राजभर आजकल उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में सबसे चर्चित नेता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जो संघर्ष से डरता नहीं, पीठ नहीं दिखाता, धर्म युद्ध में तन्वीन रहता है, उसी का नाम तो ओम प्रकाश राजभर है। ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की चल रही कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए ओजस्वी भाषण दिया है और खासकर अखिलेश यादव जी पे करारा प्रहार किया है। तो उन्होंने क्या बोला है, इसको आप सुन लीजिए साथियों, अंत तक वीडियो को अवश्य देखिएगा। अगर आप हम बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा। हम गठबंधन करते हैं, हम गठबंधन करते हैं तो हम दल बदलू कहते हैं। अब 8 बार आपकी पार्टी ने गठबंधन किया तो आप दल बदलू नहीं कहोगे, आप नहीं कहोगे, हमको कहोगे इस नाते कि हम कमजोर है भाई, हम कमजोर में हैं। आप तो बिना पेदी के हो नहीं, कभी कांग्रेस से, कहीं सपा से, कभी बसपा से, कभी सुभाषपा से, कभी निषाद पार्टी से करोगे तब तो नहीं कहोगे, लेकिन हमको तो जरूर कहोगे, क्योंकि जतियों में हम छोट हैं, जतिया में आप बड़े हो, उम्र में बड़े हो, सत्ता में रहो, इस नाते चाहे जिसको जो कह लो, लेकिन आपकी नाकामी के वजह से जो 38% पिछड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, इसके वजह से देश और प्रदेश में सरकार, इसको स्वीकार करो। आज जिस पीडीए की चर्चा हो रही है आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सत्ता थी तब तो पीडीए नहीं याद आया, तब जातिवाद जनगणना याद नहीं आई, अब आज याद आ रहा है सब कुछ। हमारे भाई आशीष पटेल जी ने कहा, मंत्री जी ने बहुत सही बात कहा इन्होंने, कि 4 बार की सरकार में, 4 बार की सरकार में 1 बार भी सदन में, सपा की सरकार में 1 बार भी जातिवाद जनगणना की चर्चा नहीं हुई है। उठा के रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा, जो मुझे जानकारी है। ओम प्रकाश राजभर जब आपकी गोल में गया, जब बोलने लगा तब समझ में आपको भी आया, तब समझ में आया, नहीं तो नहीं समझ में आ रहा था। और आप हमारी बात को नहीं समझ पाए, आप हमारी बात को नहीं समझ पाए, माननीय नेता पद पर बैठे हैं, मैं वैसे नहीं भागने वाला हूं, तलाक भिजवा दिया था, इस नाते मैंने कबूल कर लिया था, सामने बैठे हैं। धन्यवाद माननीय ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश राजभर जी की बातों को आपने सुना अंत तक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।